Hi guys, welcome back to my channel Poonamalam Infinity. और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना पर्पल हॉल। मैंने पर्पल ऐप से बहुत सारी शॉपिंग की है। मैंने ये सारी शॉपिंग एक बार में नहीं बल्कि दो तीन बार में की है। पर्पल ऐप का अगर आप लोग रिव्यू चाहते हैं तो वो भी मैं जल्द ही करूँगी, क्योंकि मुझे पर्पल ऐप बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें इतने सारे ऑफर्स होते हैं कि आप तो बिल्कुल ही एडिक्टेड हो जाओगे। इन सारे बॉक्सेस में मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि मुझे ये प्रोडक्ट्स कितने डिस्काउंट्स पे मिले हैं। इसमें है कुछ नए नए ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स, तो उन्हें भी मैं आपको दिखा दूँगी। आइए गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने पर्पल ऐप से कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। पर वीडियो में जाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पे चल रहा था 35% ऑफ का सेल। मैंने वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लिए हैं क्योंकि मुझे गुड वाइब्स के स्किन केयर प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं। मैंने वो यूज़ किया है उन्हें और मुझे वो अच्छे लगे हैं, तो मैंने गुड वाइब्स से खरीदे हैं। सबसे पहले तो मैंने ये खरीदा है गुड वाइब्स का लिली ऑफ द वैली ग्लोइंग फेस मास्क। में 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट है और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। तो ये एक्चुअली एक ग्लोइंग फेस मास्क है। फेस्टिव सीजन चल रहा है और वेडिंग सीजन भी आ गई है, तो अगर आपको कहीं जाना है, कहीं बाहर जाना है और आपको अपने फेस पे वो ग्लो चाहिए, तो आप इस फेस मास्क को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसीलिए इसे खरीदा है। इसका एक्चुअल प्राइस है 225 रुपीज़, बट ये मुझे डिस्काउंट पे मिल गया था, तो मैं डिस्काउंटेड प्राइसेस स्क्रीन पे या फिर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ चेकआउट करना ना भूलें। सेकेंड प्रोडक्ट मैंने खरीदा है गुड वाइब्स का थाइम एंड बेसल स्किन हीलिंग फेस मास्क। तो क्योंकि मुझे अभी काफ़ी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं यहाँ वहाँ, तो उसके लिए मैंने ये वाला फेस मास्क खरीदा है। मैंने इसे यूज़ भी किया है और बहुत ही सूथिंग है, बहुत ही अच्छा फील होता है इसको लगा के, थोड़ा मिंटी सा फील आता है। ये येलो कलर का मास्क है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये कुछ इस तरह का दिखता है। इस तरह के मास्क की अच्छी बात ये होती है कि आपको इसमें कुछ मिलाना विलाना नहीं होता है, बल्कि आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो अपनी स्किन पे। बस अपने फेस को क्लेंस करो और उसके बाद में अगर आप चाहो तो स्क्रब कर सकते हो और फिर इसको डायरेक्टली लगा सकते हो। अगर आपको गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स के रिव्यू चाहिए या इन फेस मास्क के रिव्यू चाहिए, तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो अगर आपको इनके रिव्यू चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपको इनका रिव्यू ज़रूर दे दूँगी। तो ये था मेरा सेकेंड मास्क। तो इसके साथ मैंने एक और मास्क खरीदा है। मैंने और मास्क है, ये है एलो क्यूकम्बर डिटॉक्स फेस मास्क। तो डिटॉक्स करना बहुत ही इसेंशियल हो जाता है आपके स्किन के लिए, तो कभी कभार इस तरह के मास्क यूज़ करने चाहिए कि आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा। तो मैंने इसे मंगाया है, इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इसको यूज़ करके मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगी। ये भी है 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट। एलो क्यूकम्बर डिटॉक्स फेस मास्क मुझे पड़ गया था 155 रुपीज़ का। गुड वाइब्स का ग्लोइंग फेस मास्क है 149 रुपीज़ का। और इसके साथ में मैंने दो प्रोडक्ट्स और मंगाए थे। तो पहला प्रोडक्ट है ये है प्लम का ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर। ये है 200 ml का बॉटल। मैंने सोचा कि इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। ग्रीन टी के प्रोडक्ट्स एक्ने प्रोन स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको खरीदा है। इसकी एक्चुअल प्राइस है 390 रुपीज़ और ये मुझे मिल गया था 240 रुपीज़ में। तो मैंने एक और प्रोडक्ट मंगाया था यहाँ से, वो है ये ब्लॉसम कोच और अरोमा मैजिक का विटामिन सी स्किन लाइटनिंग जेल विथ SPF 30। इसका सैम्पल पैक मुझे मिला था, तो मैंने इसको यूज़ किया और ये इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया मेरे स्किन पे, मेरे पिंपल मार्क्स को, स्कार्स को रिड्यूस करने में। तो मेरा वो सैंपल पैक ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया है। ये है 100 ग्राम्स का प्रोडक्ट और इसकी प्राइस है 350 रुपीज़। इसकी एक्चुअल प्राइस है 350 रुपीज़, बट ये मुझे मिल गया था 258 रुपीज़ में। तो ये हो गया मैंने दो पर्पल के, दो बार मैंने जो मंगाए थे वो प्रोडक्ट्स, और बाद में जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए थे वो काफ़ी सारे हैं। तो अब की बात चल रही थी लाइक 50% ऑफ सेल। मैंने अगेन गुड वाइब्स के कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। गुड वाइब्स का पहला प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो ये है, गुड वाइब्स का रोज एंड जेरेनियम स्किन टाइटनिंग स्क्रब, जो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये
ये क्लेम करता है कि स्क्रब करने के साथ साथ ये आपके स्किन को टाइटन भी करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसको ले लिया है। और देन सेकेंड प्रोडक्ट गुड वाइब्स की तरफ से है, ये है गुड वाइब्स का बनाना कंडीशनर और ये है 120 ml का बॉटल। साथ ही में मैंने लिया है गुड वाइब्स का बनाना शैम्पू। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री होते हैं और क्रुएल्टी फ्री होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं आपकी स्किन और हेयर के लिए। तो ये है बनाना शाइन शैम्पू और इसका नेट वॉल्यूम है 200 ml। फिर मैंने लिया है ये गुड वाइब्स का जिंजर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये भी 200 ml का बॉटल है। और इसी के साथ में मैंने लिया है गुड वाइब्स का जिंजर कंडीशनर भी। तो गाइस, इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा ये पर्पल हॉल। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।